क्योंकि ये एक एक भक्त भक्ति का अंग है, जैसे नौ तरह का जो भक्ति का अंग, क्योंकि एक भक्ति का अंग अगर कोई साधन करे तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्रवण के द्वारा श्री परीक्षित महाराज भगवान को प्राप्त किया, कीर्तन के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के द्वारा प्रहलाद महाराज, अर्चन के द्वारा पृथु, बंधन का द्वारा श्री अपूर्ति। इसलिए ये जो स्थली है कभी ये बंदनाथ है, यहाँ आने पर भगवान का जो स्तुति स्तव, जैसे सर्व गोस्वामी संख्या पूर्व का नाम दान नदी, सर्व गोस्वामी जैसे भगवान का स्तुति स्तव करते थे, जमुना स्तुति, गंगा स्तुति, नित्यानंद स्तुति, महाप्रभु स्तुति, ये जितने सारे स्तुति, यहाँ आने पर भगवान को जो वंदना करने का भक्ति का जो अंग है, जिसको अक्रूर जी जिस भक्ति अंग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था, यहाँ आने पर वो भक्ति का अंग अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जन्मदिन का कथा श्रील तीर्थ महाराज से आप लोगों ने श्रवण किया है, कैसे श्री सगर महाराज यज्ञ कैसे कर रहे थे, और नियम है यज्ञ में अपना घोड़े को छोड़ देना पड़ता है, इसलिए कैसे उनको घोड़ा जा रहा था, इतने में इंद्र ने देखा, अगर ये सौ कोई अश्वमेध यज्ञ करते इंद्र पद ले जाएगा, हो ना हो ये सगर महाराज तो हमारा इंद्र पद तो छीन नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने उनको घोड़े को उन्होंने अपहरण किया, और अपहरण करके कपिल ऋषि को पीछे उन्होंने बांध दिया। अभी सगर महाराज का जो 10,000 पुत्र थे अभी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते संपूर्ण उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने खुदाई कर दिया, जिससे सागर बन गया, समुद्र बन गया, ऐसे उन्होंने खुदाई किया, और ढूंढते ढूंढते देखा ये कपिल ऋषि को पीछे ये घोड़ा बंधा हुआ। इंद्र तो कायदा, इंद्र तो उन्होंने उसको अपराध उन्होंने कुछ किया था, अभी उन्होंने सोचा ये ढोंगी साधु आंख बंद करके बैठ कर भजन कर रहा है और हमारा घोड़ा को चोरी करके ले गया, अभी उन लोगों ने मारो मारो पीटो पीटो उनको बड़ा आक्रमण किया, आक्रमण किया तो वो तो सचमुच से भजन कर रहे थे कपिल मुनि, इतने में उन्होंने अपना आंख को उन्होंने खोला, आंख को खोलते ही क्रोधाग्नि से सारे को सारे बच्चे जल करके राख हो गए। सगर महाराज को जब पता चला, सगर महाराज आकर के ऋषि को चरण में क्षमा प्रार्थना मांगी, बोले इनका उद्धार कैसे होगा, बोले हाँ इनका उद्धार हो सकता है अगर आप पतित पावन श्री गंगा जी को अगर अवतरण करोगे, गंगा का स्पर्श से इनका उद्धार होगा। इसलिए अभी गंगा को लाए कैसे, इसलिए सगर महाराज उसके बाद फिर आसमान फिर दिल्ली इन लोगों ने गंगा को अवतरण करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा से संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जब भगीरथ आए, भगीरथ उन्होंने कठोर साधन भजन किया गंगा की संतुष्ट करने के लिए, तब गंगा जी संतुष्ट हो गई। अभी प्रश्न है कि उनको पहले दिल्ली आसमान सगर कहते इन लोग भी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इन लोगों का आराधना के द्वारा गंगा प्रसन्न क्यों नहीं हुई, और ये भगीरथ का आराधना से ये संतुष्ट कैसे हो गए, क्या इसका कारण था, क्या ये दिलीप अंशुमान इन लोगों ने सारे घर गृहस्थी को पालन करके जब अंतिम समय पर गए गंगा जी को संतुष्ट करने के लिए, सारे एनर्जी तो उनको खत्म हो चुका था, कुछ तो था नहीं, तो उसका अंदर गंगा जी संतुष्ट कैसे होगी। लेकिन भगीरथ ने संसार नहीं किया, बोले नहीं मेरे पूर्वज जो लोग दुख कष्ट पा रहे हैं और मैं राजगति पर बैठ करके मैं किसे भोग करूंगा, जब तक मैं अपना पूर्वजों को मैं उधार नहीं करूंगा तब तक सिंहासन में नहीं बैठूंगा। इसलिए उन्होंने बचपन में जा करके उन्होंने कठोर साधन भजन किया। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भजन का नियम है कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान उनको बचपन से 5 साल से भजन करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण एनर्जी जब तक हम भगवान को नहीं देंगे तब तक भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, भगवत कब दर्शन कब होता है, प्रेमावस्था में। इसलिए जहां पर मन 1 सेकंड के लिए भी जहां मन इधर उधर नहीं हो तब तक भगवान मिलेंगे, सारे एनर्जी जब हम घर गृहस्थ में खर्चा कर देंगे, जब भजन करने के लिए जाएंगे दिमाग भगवत चिंतक कैसे करेगा कैसे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब तक कोई बचपन से आदत नहीं डाल
डालते भजन करने के लिए संपूर्ण एनर्जी भगवान को देना पड़ेगा तभी तो जाकर के भगवान संतुष्ट होएंगे। इसलिए उन्होंने गंगा देवी को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। जब गंगा जी को संतुष्ट किया गंगा ने बोली देखो मेरे पास में दो समस्या है। बोले क्या है? बोले प्रथम समस्या मेरे वेग को कौन धारण करेगा और दूसरी समस्या अभी मैं जब इसी जगत में जाऊंगी सारे जगत का पापी लोग आकर के स्नान करेंगे, स्नान करेंगे तो इनका पाप का बोझ इस समय मैं महिला हो जाऊंगी, फिर मेरे उद्धार कैसे होएगा मेरे? इसलिए दो समस्या को हल करो। तो उन्होंने बोले देखो उसमें दो समस्या को उन्होंने हल किया। कहते जैसे पापी तापी जैसे गंगा में स्नान करेंगे बड़े बड़े संत लोग भी तो दर्शन कर स्नान करेंगे, बड़े बड़े वैष्णव लोग तो दर्शन करेंगे। इसलिए जब कोई वैष्णव गंगा में स्नान करने पर इसलिए भागवत में श्री नंद बाबा कहते हैं, वो नंद बाबा कह रहे हैं क्या क्या श्लोक है भगवत तिथा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बंद तीर्थानी सांत्वस्तेन गदावृतम। यदि ये संत लोग को संतों के भक्तों को हृदय में भगवान हर समय निवास करते हैं वो पवित्र पवित्र है, फिर भक्त लोग को फिर क्यों जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए? भक्तों को जाने का क्या जरूरत? फिर तत्व तो भक्तों को गंगा यमुना में स्नान करने का कोई जरूरत है ही नहीं। बोले क्यों? बोले उनका हृदय में तो भगवान स्वयं बैठे हुए, फिर जाते हैं क्यों? बोले तीर्थ कुर्बंद तीर्थानी, बोले तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए तीर्थ में जितने पापी लोग स्नान करते हैं जब कोई वैष्णव जाकर के उसमें स्नान करे वैष्णव में इतना शक्ति केवल वैष्णव का चरण स्पर्श होते ही जो जितने सारे तीर्थ वो सब के सब पवित्र हो जाते हैं, ये भक्तों में इतने शक्ति है। इसलिए भक्त लोग भी इसमें स्नान करेंगे पर मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो उन्होंने बोले कौन धारण करेगा? बोले ये शंकर जी धारण कर सकते हैं। फिर उन्होंने शंकर जी को पास में गए, शंकर जी को उन्होंने संतुष्ट किया, शंकर जी को स्तुति पढ़ करके शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं मैं गंगा जी को धारण कर लूंगा। बोले क्यों? उनको पता है ये गंगा है कौन? बोले गंगा ये भगवान का चरणामृत है, इसलिए अहो भाग्य है जो कि भगवान का साक्षात चरणामृत को मैं धारण करूंगा। इसलिए पुराण में श्लोक आया है जैसे भगवान का चरणामृत को जो ग्रहण करते हैं पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में स्नान करने का फल उसको प्राप्त होता है, सारे पाप उसको नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं पतित पावन गंगा को मैं स्वयं धारण करूंगा। अभी गंगा जी को बोले अभी दोनों काम अभी फैसला हो गया। बोले वेग कौन धारण करेगा? बोले शंकर जी स्वयं धारण करेंगे। अभी महाराज जी बता रहे थे बोले गंगा बोली मेरे वेग को शंकर जी धारण करेंगे, तुमको पता नहीं ये गंगा में कितना शक्ति है। जो लोग गंगोत्री गए हुए देखे होंगे गंगा की कितना नाद है, उसका क्या गर्जन है, कैसे गिर रही है गंगा। बोले शंकर जी धारण करेंगे, शंकर जी को ऐसे में वेग में आऊंगा पूरा शंकर जी प्रसाद भेज दूंगा। शंकर जी ने कहा कोई चिंता नहीं मैं पतित पावनी गंगा को मैं धारण करूंगा। शंकर जी त्रिशूल लेकर के तुम खड़े हो गए, बोले आ जाओ जितने सारे शक्ति लगा करके कितने शक्ति है। इतने में पतित पावनी गंगा जब कलकल नाद से बहते हुए जब वहां से प्रकट हुई और उन्होंने शंकर जी को सिर पर गिरते ही शंकर जी तो वैष्णव नाम जथा शंभू, शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी एक स्वरूप में सदाशिव है, शंकर जी एक स्वरूप में विष्णु तत्व भी है। इसलिए गंगा जी को उन्होंने ऐसे धारण किया, गंगा जी आई आ करके शंकर जी अपना जटा को उन्होंने ऐसे फैलाया जटा को गंगा तो आ करके पूरा जटा में ही समा गई। बोले श्री शंकर भगवान की, पूरा गंगा ही वहां घूमते रह गई। भगीरथ ने जी ने गंगा तो आई लेकिन ये गंगा गई कहां? गंगा तो लापता हो गई। देखा शंकर जी पूरा जटा में धारण कर लिया। कहते चरणामृत थोड़ी करने का वस्तु है, चरणामृत तो धारण करने का वस्तु है। फिर जी भगीरथ आकर के शंकर जी को पुनः श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण्यम रतिव्रतम वृंदावनापते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नर ढिड्ढो गोपीश्वर ब्रज विलास युगांग्रि पद में प्रीति ब्रज क्षणित राम निरपाधिका में। शंकर जी को स्तुति करके शंकर
संतुष्ट किया शंकर जी को बोले हे शंकर जी कितना कष्ट करके मैं लाया हूं अब थोड़ी सी गंगा दे लो तब शंकर जी तो पूरा दिए नहीं बोले भगवान के चरणों में कैसे दे दूं शंकर जी थोड़ी सी एक जटा से केवल एक धारा उन्होंने छोड़ दिया और वो गंगा को लेकर के आगे भगीरथ जा रहे हैं शंख ध्वनि करते हुए अब पतित पावन गंगा उनके पीछे भी जा रही आते 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 जब यही पर आए यहां पर जनुमनी भजन कर रहे थे और गंगा अपना प्रभाव से उनका पंचपात्र कुशासन शब्द से बहा लिया इतने में जनुमनी ने कहा अरे मेरे सर पंचपात्र आसन सब कहां गया देखा तो गंगा बहते हुए ले जा रही बहाते हुए ले जा रही इतने में जनुमनी का क्रोध आ गया बोले संत को थोड़ी क्रोध आता है संत को तो क्रोध आता ही नहीं फिर कहते क्रोध नहीं उन्होंने देखा आओ भाग्य है कहां चरणामृत कहां से होते हुए कहां जा रहे हैं ये सौभाग्य तो हम क्यों छोड़े इसलिए जनुमनी ने क्या किया पूरा के पूरा चरणामृत रूप में गंगा को पूरा का पूरा उन्होंने पान कर लिया भगीरथ थोड़ी दूर जाकर के देखा ये गंगा कहां चली गई ये गंगा लाभ बता ये जनुमनी के पास में आ रही वहीं से खत्म है देखा ये जनुमनी ने पान कर लिया फिर जनुमनी को उन्होंने संतुष्ट करके फिर जनुमनी ने अपना जान को उन्होंने थोड़ी सी फाड़ दिया तो उधर से गंगा प्रकट होकर के उनका नाम हो गई जाह्नवी अभी गंगा बहते हुए आई आकर के देखो ये गंगा में कितने पवित्रता है ये सगर महाराज का कितने सारे संतान कब कब मर करके वहां पर राख बन करके पता नहीं का लाभ थे मिट्टी में उनका कोई पता पता कुछ है ही नहीं लेकिन गंगा में इतने पवित्रता गंगा में केवल गंगा का पानी का स्पर्श करते ही सगर महाराज का जितने संतान थे सब के सब उद्धार हो गया बोले माता गंगा की बोले गंगा देवी की जय इसलिए गंगा में इतने पवित्रता इसलिए महाराज कहा करते थे कभी गंगा बड़ी ना जमुना बड़ी है इसलिए कभी आकबर दरबार में जो गंगा किनारा में रहते हैं और जो जमुना किनारा में रहते हैं दोनों आकर के बड़े विवाद किया जो गंगा किनारा में रहते हैं बोले गंगा बड़ी है जो जमुना किनारा में रहते हैं जमुना बड़ी अभी दोनों आकर के बोले बताओ इसमें कौन बड़े हैं इतने में अकबर दरबार में एक बहुत बड़ी सभा लगी अभी जो गंगा को बड़ा कहने बड़ा बोलते थे उन लोगों को खड़े किया बोले बताओ तुम्हारे गंगा की क्या महिमा है बोले गंगा की तथा महिमा है बोले क्या महिमा है बोले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरस्तु तव पद कमले कहते जो गंगा है अभी महाराज बता रहे थे गंगा तीन गंगा है कहते एक गंगा तो स्वर्ग में मंदाकिनी रूप में सारे देवताओं को कल्याण कर रही है और एक गंगा इस मर्त्य जगत में भगीरथ में रूप में बहते हुए सारे जीवों को पवित्र कर रहे हैं गंगा जिधर से बहती हुई जाती है उधर को पवित्र कर देती है इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे देखा बच्चे लोग हरिबोल बोल रहे हैं बोले यहाँ पर हरिबोल का शब्द कैसे आ गया ऐसे कैसे हो गया देखा सचमुच से पास में गंगा बह रही है गंगा की केवल हवा लगते ही अपने आप हृदय पवित्र हो जाता है इसलिए गंगा की अद्भुत महिमा है त्रिभुवन को उद्धार करने वाले इसलिए महाराज भी आप कथा सुना रहे थे और हमारे महाराज एक कथा सुना रहे थे बोले एक समय कोई एक गुणी नहीं जा रहा था देखा कुछ भूत लोग बैठी करके वहां पर नाच गान और बैंड पार्टी बजा करके शादी विवाह उनका हो रहा था भूतों की इतने में वो गुणी ने वो मंत्र जानता था एक भूत को बुलाया बोले इधर आओ बोले क्या बात है बोले यहाँ पर आज कौन सा पार्टी बन रहे लग रहा है बोले शादी विवाह हो रहा है बोले हाँ हमारा शादी भूतों की शादी हो रही है बोले भूतों की शादी बोले हाँ बोले क्या बात है बोले एक लड़की हमारा है कुंवारी फिर बोले कल दूल्हा आएगा बोले कहाँ से आएगा बोले कल दोनों साढ़ में लड़ाई होगी लड़ाई होने पर उसी में एक जवान वो दोनों साढ़ को छुड़ाने के लिए जाएगा तो दोनों साढ़ उसको ऐसे मारेंगे वहीं पर वो आदमी खत्म हो जाएगा वो अपमृत होगा और अपमृत होने पर कल भूत बनेगा इसलिए भूत को सारी बात पता है इसलिए कल भूत बनेगा तो कल
दूल्हा आएगा आज दुल्हन ऑलरेडी हमारे पास में इसलिए शादी होगी ऐसे बात बोले हाँ अभी वो पहुंचा तो दूसरे दिन उसी रास्ता पर जा रहा था देखा सारे भूत लोग बैठ करके रो रहे हैं ये क्या हो गया रो रहे हैं क्यों तो भूत को बुलाया बोले भैया क्या बात है ये रो रहे हैं क्यों बोले बहुत बड़ा अनहोनी हो गई है बोले क्या अनहोनी हो गया बोले ये अनहोनी हो गया वो गुरु ने पता लगाया सचमुच से दोनों सांड में लड़ाई हुई और एक जवान उसको छुड़ाने के लिए गया तो उस सांड ने सींग मारे तो वो वहीं पर खत्म हो गया मरा भी है बोले अनहोनी क्या हो गया बोले ये अनहोनी हो गया जो सांड लड़ रहे थे उसमें के सांड वो अपना सींग में जब खुजलाता है आप लोगों ने देखना वो मिट्टी को ऐसे कुतरते है इसलिए उसको उसने गंगा किनारा में अपना सींग से वो मिट्टी को कुतर रहा था और उसका सींग में गंगा का थोड़ा रस थोड़ा धूल लगा हुआ था जब वो लड़ रहे थे जब वो मारने छुड़ाने के लिए गया जिस सांड ने इसको मारा उसका सींग में गंगा का रज लगी हुई थी अब मारते समय गंगा रज का स्पर्श होते ही वो भूत क्या बनेगा वो सीधा मुक्ति प्राप्त करके चला गया भगवान बस गंगा देवी की इसलिए ये बड़ी अनहोनी हो गई इसलिए हमारी बेटी कुंवार से कुंवारी रह गई शादी हो न पाई देखो गंगा में कितनी पवित्रता है अब महाराज जी कथा सुना रहे थे कैसे के सर्प को मुंह निकाल करके बैठा हुआ था इतने में गरुड़ उसको खाने के लिए आया झपट मारा तो जब पंजा से पकड़ करके ले रहा था लेते समय हथा उसी समय प्राण छूट गया प्राण छूटते समय उसका पूछ के मतलब पानी में स्पर्श हो गया गरुड़ उसको खाएगा क्या देखा चतुर्भुजधारी वो तो भगवान का परिकर बन गया वो खाएगा क्या उसको पीठ पर बैठा करके बैकुंठ ले जाना पड़ा ऐसे ये गंगा की महत्व है तो उन्होंने जमुना बोले जमुना किनारे में जो रहते हैं बोले जमुना की क्या महिमा है बोले जमुना की महिमा है ये जमुना साक्षात ब्रह्म द्रव्य दाती ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के ये जमुना नदी रूप में बह रही है और ये जमुना कौन है जमुना की बहुत रूप है जमुना की एक रूप है और द्वारका में कृष्ण का पटरानी है और वो ब्रज में वो साक्षात विशाखा देवी है बोले जमुना नदी प्रकट हुई कैसे बोले जमुना नदी इस समय भगवान ने कभी अपना राग उन्होंने सुना राग को उन्होंने सुना राग रागिणी सुना अपना राग रागिणी सुनने पर भगवान का शरीर से पसीना निकली वो पसीना सिर से निकलते हुए भगवान के मोटे मोटे जो काजल लगा करके रखे थे वो पसीना काजल को जरा मिश्रित हो गया क्या हो गया काला हो गया फिर वो बहते हुए भगवान का वक्ष स्थल को स्पर्श किया वक्ष स्थल को स्पर्श करते हुए भगवत चरणों को स्पर्श करते हुए जब वो निकली वो साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम ही ये द्रवीभूत होकर के जमुना रूप में बह रही है अभी जमुना के किनारे में रहना पर जमुना की महिमा गंगा के किनारे वाले गंगा की महिमा बताए अभी बोले बताओ इसको मीमांसा कौन देगा तब ये जीव गोस्वामी जा करके मीमांसा दिया बोला देखो ये तो राजा को सोच नहीं पा रहा था सचमुच से दोनों का ही महिमा अपूर्व है लेकिन जीव गोस्वामी एकदम सरल सीधा रूप में बताए बोले देखो ये बताओ घर में कोई दासी बड़ी होती है ना घर में अपना पटरानी बड़ी होती है जब ये गंगा कौन है बोले ये गंगा श्री बामन देव का चरणामृत बोले बामन देव कौन है बोले कृष्ण मूल है उनका अंश बलदेव प्रभु उनसे संकर्षण चतुर्थियो कारणों तक साई से जितना अवतार होते हैं बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश का सब बामन है उनका ये चरणामृत ये दासी है कहते ये जमुना कौन है कहते साक्षात कृष्ण का पटरानी और साक्षात विशाखा देवी अनुराधा है बोले घर का रानी बड़ी होती है ना घर की दासी बड़ी होती है सभी को दिमाग में ये बात बैठ गई बात सही बात है घर का रानी तो बड़ी होती है तो बड़ी कौन हो गई बड़ी हो गई श्री यमुना देवी लेकिन यमुना देवी का तो महिमा बहुत है ही है लेकिन जब श्री श्याम सुंदर राधा कांति भाव लेकर के नवद्वीप में प्रकट हुए जब महाप्रभु स्वयं गंगा में जल क्रीड़ा किए अभी गंगा स्वयं अलखित रूप में महाप्रभु को अपना लहरियों के द्वारा उनको खिलाया करते थे उसमें तैरते थे उस एक स्वरूप में गंगा हो गई महाप्रभु का स्वयं दासी उनको भी रानी हो गई इसलिए गंगा का भी सौभाग्य कोई कम नहीं है इसलिए अभी एक स्वामी का दो पत्नी है इसलिए तत्वतः जब महाप्रभु गंगा को भी कम सौभाग्य नहीं दिया उसको भी बहुत सौभाग्य दिया इसलिए दोनों दृष्टि से दोनों का वैशिष्ट्य किसी तरह से कम नहीं प्रणिताई गौर प्रेमानंदे